बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 37 दिन बाद इस सैयारे की इन बुरुज के लिए दमादम मस्त कलंदर होने जा रही है। ओनली 37 डेज लेफ्ट के हवाले से बात करेंगे, एरीज से लेके पाइसिस तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई के हवाले से बात करेंगे। 12 साल बाद पैसों की भरपूर बारिश होने जा रही है इन बुरुज के लिए, जिनके अभी हम बात करने वाले। अब तमाम सीखते चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। गुरु के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं, गुरु वो सैयारा यानी जिसे हम जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, तो वो सैयारा जो 12 साल के बाद वृषभ राशि में यानी कि टॉरस के अंदर आ रहा है, भरपूर तरीके से माला माल धमाल करने के लिए तैयार है। पैसे की भरपूर बारिश और तेज तरीन दौलत समेटना अब इन बुरुज के लिए मुमकिन होगा, जिनके बारे में हम बारी बारी बता रहे हैं। गुरु यानी जुपिटर वो सैयारा है जो औलाद के मामला यानी औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस से कामयाब होता है। औलाद का नवाजना, पैसे की भरपूर बारिश होना, पैसा तेज तरीन आना, ये सब बैंक बैलेंस का बढ़ना, चारों तरफ से पैसा आना, सोर्सेस ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, हर लिहाज से पैसा आना इसका बाइस बनता है। इसके अलावा हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी यानी रिलीजियस माहौल का पैदा करना या रिलीजन को हमारे जीवन के अंदर हमारी जिंदगी में लाना और हमें मजहब से करीब बनाना, ये भी जुपिटर के हाथ में होता है। इसके अलावा ज्ञान या नॉलेज का भंडार बना देना यानी कि नॉलेज का पावर बैंक हमें बना देता है। इतनी नॉलेज की हम घंटों बात कर सकते हैं। नॉलेज का सीखना, स्किल्स का सीखना, कोई हुनर का सीखना, ये हमारे लिए मुमकिन बना देता है। इसके अलावा रिश्तों का बनाना, खवातीन के लिए हस्बैंड का इंतखाब करना आसान बनाना यानी उनके लिए रिश्तों के असबाब पैदा करना, ये मुमकिन बनाता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बूस्ट का आना, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपका विल पावर में इजाफा होना, आपके क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशन में इजाफा होना, ये सब भी जुपिटर की वजह से मुमकिन होता हुआ नजर आता है। आप तमाम बुरुज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 1 मई यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई से जो है ये जाएगा वृषभ राशि यानी टॉरस के अंदर और पूरे एक साल तक, पूरे 12 महीने तक इसी जोडिक साइन के अंदर यानी कि वृषभ राशि टॉरस के अंदर ये रहेगा। किन जोडिक साइन के लिए भरपूर नवादिशात के लिए आएंगे और किन को प्रॉब्लम देंगे, कहाँ मुश्किलें आ सकती हैं, कौन सी एहतियातें रखनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। याद रखिएगा, वृषभ राशि में चूके यानी कि टॉरस के अंदर ही आएगा, तो टॉरस का रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस होता है। तो याद रखिएगा, वीनस के जो वीनस सैयारे का जो घर है या जो उसका जिस घर का वो रूलिंग लॉर्ड है उसके अंदर इसका आना, ये काफी मुबारक साबित होगा बहुत सारे जोडिक साइंस के लिए। अब याद रखिएगा, चूंकि एक साल के लिए 12 महीनों के लिए आएगा, तो 1 मई 2025 तक पूरे एक साल तक करिश्मे दिखाएगा, एक साल तक नवादिशात से भरपूर टाइम रहेगा, एक साल तक आजमाइशें भी आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, उन जोडिक साइन का भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी मेष राशि के हवाले से, बुर्ज हमल के हवाले से। अब अगर एरीज की हम बात करें तो इनके सेकेंड हाउस में यानी इनके पैसे, इनके धन दौलत, इनकी बैंक बैलेंस के घर पे बैठना यानी इनका गोचर जो होगा गुरु का यानी जुपिटर का 1 मई को, ये होगा इनके सेकेंड हाउस में। भरपूर तरीके से पैसे की बारिश होना, पैसा चारों तरफ से आना, पैसे के मामलात में इजाफा होना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना और प्रोमोशंस के युग बना, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए एरीज नजर आएगा। चारों तरफ से पैसों का यूं कहिएगा कि ऐसे असबाब बनेंगे कि तेज तरीन पैसा आना, दौलत समेट पाना, अच्छा पैसा बना पाना, बैंक बैलेंस बना पाना इनके लिए पूरे एक साल तक यानी कि 1 मई 2024 से 1 मई 2025 तक मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, आपकी किस्मत चमकने को जा रही है, आपका 9th हाउस का एक्टिवेट होना, आपकी किस्मत आपके फेवर में होना, हर वो चीज जो प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट होते हुए देखोगे, जो सोचोगे उस पर अमल करोगे, उसका फायदा उठाओगे। और ये प्लानिंग करना या डिसीशंस लेना, टू द पॉइंट वेल टेकन डिसीशंस लेना, हर लिहाज से आपको फायदा देगा। कामयाबियां आप समेटते हुए नजर आओगे और आपके फैसलों की वजह से कामयाबियां होते हुए आपको नजर आएंगी। 1 मई से जो कर्जे आपने लिए हुए वो कर्जे कम होना या खत्म होता हुआ देखोगे, बीमारियां जो बहुत जड़ पकड़ चुकी थी, क्रोनिक डिजीज, वो कम होते हुए आपको नजर आएंगी। इसके अलावा आपके दुश्मन जो आपके घर में या आपके कारोबार में या आप किसी भी तरह से आपके जॉब के अंदर मौजूद है, वो दूर होना या उनका कंट्रोल आपके हाथ में इस एक साल के दौरान आता हुआ नजर आएगा। एक साल के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉप पे चले जाना यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से भरपूर कमाओगे, मीडिया में हो,
या फिर आप किसी तरह से ग्लैमर इंडस्ट्री में हो या शो बिजनेस में, वहां भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से दूसरों का दिल जीतना आपके लिए मुमकिन रहेगा, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन से दूसरों को मायल करना अपनी तरफ आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा, आपकी अकलानी ताकतों में बड़ा बूस्ट आएगा, आपके सोचने समझने की सलाहियत, अकलानी ताकतों में इजाफा। इसका मतलब कि आपके विल पावर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा, पैसे कमाने का जुनून का सर चढ़ के बोलना, ये भी काफी हद तक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नजर आएगा। खूब पैसा तो कमाओगे लेकिन आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, और अब आपको कुछ ना कुछ कर दिखाना है, ऐसा कोई जज्बा ये एक साल में उठता हुआ आपको नजर आएगा। और याद रखिएगा, गुरु यानी जुपिटर की 10वीं नजर आपके 10वें घर पे पड़ना, आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना, एक साल लगातार अपने करियर में एक ऊंचा मकाम देखना, बड़ी पोस्ट पे जाना, अच्छी सैलरी पैकेजेस एंजॉय करना, हर लिहाज से आपको फायदा होना, अपने करियर के अंदर एक ऊंची उड़ान का देखना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का रहना, सीनियर्स का सपोर्ट रहना, बड़े बड़े डिसीजंस के लिए बॉसेस का आपको कॉल करना, हर लिहाज से अपने करियर में एक बड़ा मकाम देखना, यानी यूं कह लें कि आपको रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, इस हवाले से करियर का बहुत अच्छा वक्त रहेगा इस एक साल के दौरान। लेकिन याद रखिएगा, हार्ड वर्किंग बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे तो आपको वो हासिल नहीं होगा जो आप हासिल करना चाहते हो। आपकी सख्त मेहनत, आपका डेडिकेशन आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, और आप इतनी मेहनत करते हुए वो सारा कुछ हासिल करोगे जो कि आप चाहते हो। मेहनत ज्यादा करोगे आपको उसका नतीजा भी ज्यादा ही मिलेगा। याद रखिएगा, करियर के घर में जुपिटर का बड़ा राजयोग बनाना, ये भी भरपूर तरीके से आपके करियर में बड़ा बूस्ट पूरे एक साल तक नजर आएगा, यानी मई 2025 तक। अब हम बात करेंगे वृषभ यानी टॉरस के हवाले से। टॉरस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि इन्हीं के जोडिक साइन में यानी कि वृषभ के अंदर जो इसका गोचर हो रहा है, जो गोचर होना जुपिटर का और गुरु का गोचर होना यानी ट्रांसिट होना पूरे एक साल तक भरपूर फायदा देगा तमाम टॉरियंस को। याद रखिएगा, फर्स्ट हाउस में इनका गोचर होना यानी कि जुपिटर का फर्स्ट हाउस में आना, जो कि आपके इम्यून सिस्टम का, आपके आपकी बॉडी का, आपकी फिजिक का, आप जो वर्जिश करते हो या अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हो, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम वगैरह, उसका घर भी इसको माना जाता है। हेल्थ के हवाले से अच्छा रहेगा, आप बहुत फिजिकली फिट रहोगे, फुर्तीले नजर आओगे और बहुत ज्यादा चुस्त नजर आओगे। ना सिर्फ फिजिकली आप फिट रहने वाले हो बल्कि आपका माइंड, आपका दिमाग, इसका चलना मींस के आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके विल पावर में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलेगा और भरपूर पैसा कमाते हुए अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से, अपनी जॉब से, अपने कारोबार से, अपने जमीनों जायदाद से, अपने बैरन मुल्क जो कुछ आप काम करते हैं उससे, हर लिहाज से अगर बैरन मुल्क जाके जो ओवरसीज काम कर रहे हैं यानी वह जॉब या कारोबार कर रहे हैं, उनको भी अपने काम में तरक्की नजर आएगी, पैसे का भरपूर फ्लो नजर आएगा और तेज तरीन दौलत समेटते हुए तमाम टॉरियंस नजर आएंगे। और याद रखिएगा, इनकी 9th यानी 9वीं जो इनकी दृष्टि है या नजर है आपके 10वें घर पे पड़ेगी। आप भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा करोगे, आपको कामयाबी मिलेगी लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करके, लेकिन फायदा भी बहुत उठाओगे और आगे चल के प्रमोशन के योग बनना या अपनी जॉब के अंदर तरक्की का देखना, अपने कारोबार को ऊंचा उठते हुए देखना, उसके अंदर भी मेहनत होगी लेकिन हर लिहाज से कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, जल्दबाजी के फैसले महंगे पड़ सकते हैं, कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं लेना, पूछ के अपने मेंटोर से, अपने उस्ताद से, अपने बड़ों से मशवरा करके ही फैसला कीजिएगा, वरना बड़ा धोखा हो सकता है या बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो इस वजह से, वरना ओवरऑल देखें तो कारोबार, करियर सब लिहाज से आप लोग बेहतर करते हुए नजर आओगे। आपकी स्टडीज में जो रुकावटें थी उससे बाहर आओगे, आपकी स्टडीज में अच्छा करते हुए तालीम के मामला अच्छे होते हुए नजर आएंगे, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, कॉम्पिटिशन या कॉन्टेस्ट में कामयाबी हासिल करना, अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और हर लिहाज से बैरनमुल जाके अगर पढ़ना चाहते तो उसमें भी कामयाबी मिलना, हर लिहाज से तालीम के मामलात में टॉरियंस कामयाब रहेंगे। थोड़े से फैमिली इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, आपका गुस्सा, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी या आपका जिद्दी होना, स्टबर्न होना, ये थोड़े मामलात बिगाड़ेगा। ये आपके ऑफिस के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपकी जॉब के अंदर, आपके घर के अंदर मामलात बिगाड़ सकता है, इस पे थोड़ा सा आपको काबू रखना पड़ेगा। फैमिली इश्यूज भी सही हो जाएंगे अगर इन चीजों पे आपने कंट्रोल कर लिया। याद रखिएगा, सेहत के हवाले से कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी वगैरह रह सकता है, सर दर्द, माइग्रेन और बालों का जड़ना, बालों का सफेद होना या बालों का जड़ना बढ़ सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दांतों में दर्द का रहना, आंखों में दर्द का होना, कमर दर्द, हड्डियों में दर्द होना, ये भी मुमकिन हो सकता है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि यानी जेमिनी बुर्ज जौजा के हवाले से।
आपके 12वें घर में यानी आपके बैरन मुल्क जाने के जो चांसेस बनते हैं यानी बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब या कारोबार करना, आपके अखराजात का जो घर है जो आपके अखराजात बढ़ाता है या कम करता है, उस घर के अंदर इसका गोचर होना, पूरे एक साल तक यहाँ पे गुरु का यानी बृहस्पति का रहना हर लिहाज से कमाल करने वाला है। याद रखिएगा ये सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का और आपके कारोबार का, चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, हर लिहाज से आपके सुख का, आपके एक आसान और आसाइश वाली लाइफ का जो है वहाँ का भी हाउस होता है, इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। लेकिन सातवें हाउस का रूलिंग लॉर्ड होने के बावजूद जुपिटर का जो जाना वो भी 12वें घर में इसका गोचर होना 1 मई 2024 से 1 मई 2025 पूरे एक साल तक 12वें घर में रहेंगे और 12वें घर का भरपूर फायदा भी आपको मिलेगा। यहाँ भी ये खर्चे थोड़े से बढ़ा देगा, यानी गाड़ी की मुरम्मत में खर्चे, घर के अंदर रिनोवेशन कराने के खर्चे, टाइलिंग पेंटिंग वगैरह करवाने के, या नए घर लेने के खर्चे में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए नजर आओगे, कोई खर्चा करते हुए नजर आओगे, यानी अखराजात बढ़ेंगे, आपकी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के अंदर भी खर्चे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आपको एहतियात करनी पड़ेगी। 1 मई के बाद याद रखिएगा अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए नजर आ सकते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी पे कोई प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना या उसको बेचकर अच्छा पैसा कमाना या कोई फ्लैट खरीद के उसको बेचना, रियल एस्टेट के काम में भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे, यानी अपना खुद का कोई बड़ा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर इस तरह के काम करके यानी मकान खरीदने बेचने या प्लॉट खरीदने बेचने में भी भरपूर पैसा कमाओगे, अपना खुद का घर बना सकोगे, अपना खुद का घर, अपना खुद की गाड़ी ले सकोगे और अच्छी बड़ी गाड़ी ले पाओगे, इस तरह के कुछ हालात बनेंगे आगे एक साल के अंदर। याद रखिएगा 1 मई के बाद आपका गुस्सा आसमानों पर रहेगा, गुस्सा बहुत तेज रहना, चिड़चिड़ापन रहना, बात बात पे काटने को दौड़ना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी होना, स्टबर्न हो जाना का, और इन तमाम चीज़ों की वजह से अपने बॉसेस से उलझना, अपने वालिद से लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स का होना ये भी, और अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह के मामलात भी बन सकते हैं। तो जेमिनाइज को इस मामलात में अपनी इस चीज़ को अगर कंट्रोल कर गए, अपने गुस्से को, अपने एग्रेसिव बिहेवियर को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने जिद्दी पने को, तो काफ़ी हद तक मामलात सही होते हुए भी नजर आएंगे। थोड़े सफ़र में ज़्यादा रहोगे, ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकते हैं, और मजहब की तरफ आपका रुझान का बढ़ना, जैसे नमाज की पाबंदी या अपने रिचुअल्स को फॉलो, जिस भी मजहब से आप होंगे उसके रिचुअल्स के फॉलो करना या मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा अकल्ट साइंसेस को सीखने के लिए आप बड़ी मेहनत करोगे, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, इस किस्म के साइंसेस, ये बहुत शौक से सीखते हुए आप लोग आगे नजर आओगे। पैसे की भरपूर बारिश होगी, समेटना आपका काम है, एक साल लगातार मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा पैसा बना पाओगे। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस कर्क राशि के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से। अब गुरु का, जुपिटर का आपके लाभ के घर में यानी आपके फायदे के घर में आना आपको शत्रुओं से यानी आपके दुश्मन, आपके कर्जे, ये भी काफी हद तक आप उस पे कंट्रोल कर पाओगे। याद रखिएगा आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, यहाँ तक कि पैसे कमाने का जुनून का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना, कुव्वत इरादे का बढ़ना नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा, अच्छा पैसा बनाते हुए पूरे एक साल यानी मई 2025 तक आप लोग नजर आओगे, भरपूर मेहनत करते हुए और अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। आपकी जमीन जायदाद से बैरन मुल्क अगर कोई काम करते हो, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या डेटा एंट्री का काम या वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेज़न पे, हर लिहाज से वहाँ से भी भरपूर पैसा कमाओगे। कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हो बैरन मुल्क से, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाओगे। ट्रेडिंग का काम करना या कोई भी इस तरह का काम करना, अगर शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो या फिर आप जो है ग्लैमर इंडस्ट्री में या शोबिज में, वहाँ भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा आपके कारोबार और आपकी जॉब के अंदर मेहनत आप बहुत ज्यादा करते हुए नजर आओगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही फायदा मिलना आपके लिए मुमकिन होगा, और ये आपको उसी वक्त मिलेगा जब सख्त मेहनत करना, पूरे डेडिकेशन से पूरा दिल लगा के आप लोग काम करोगे। आपका भी गुस्सा बहुत तेज रहेगा, इस वजह से गुस्से की वजह से, एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी की जैसे, और सबसे बड़ी बात के जिद्दी या स्टबर्न हो जाने की वजह से काफी मामलात बिगड़ते हुए आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके जॉब के अंदर नजर आएंगे, यानी आपके कारोबार में भी नजर आएंगे। इसको थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा अपने एग्रेसिव बिहेवियर को। औलाद की तरफ से बड़ा सुख आपको मिलता हुआ नजर आएगा, अगर गलत ट्रैक पे चले गए, आपकी बात नहीं मानते, अब आपकी बात भी मानेंगे और पैसा लाएंगे घर में, इस तरह की कोई जॉब करके, कोई कारोबार करके, कुछ भी करके पैसा लाते हुए आपको नजर आएंगे। और याद रखिएगा 12 साल के बाद ये होने जा रहा है कि इस तरह
गुरु यानी जुपिटर का ट्रांजिट होना, वो भी आपके लाभ आपके फायदे के घर में हर लिहाज से फायदा पहुंचाता हुआ आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी लियो के हवाले से। लियो भी भरपूर फायदा गुरु के यानी जुपिटर का ये ट्रांसिट जो कि 12 साल के बाद हुआ है, लियो यानी बब्बर शेरों को भी भरपूर तरीके से फायदा पहुंचाएंगे। बहुत ही हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, अकलानी ताकतों में भरपूर इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून सर पे तारी होना, इनके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, इनके विल पावर का बढ़ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और भरपूर पैसा कमाना, अच्छा पैसा कमाना, और जो फैसले करेंगे वो काफी ही टू द पॉइंट वेल टेकन फैसले होंगे, डिसीजंस होंगे, जिसकी वजह से इनको कामयाबी मिलना बहुत ही मुमकिन है। और अपने जो भी नया काम शुरू करते हैं, नया कारोबार शुरू करते हैं इस एक साल के दौरान यानी मई 2024 से मई 2025, लियो भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। कोई नया कारोबार कर रहे हैं, कोई नया डिसीजन ले रहे हैं, कोई नया बैरनमल जाकर वहां जॉब या कारोबार करने की सोच रहे हैं, या तालीम के हवाले से सोच रहे हैं, या कोई शादी ब्याह के फैसले कर रहे हैं, या कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह का प्लान कर रहे हैं, हर एक के अंदर कामयाबी मिलना है। स्टूडेंट्स को भी भरपूर कामयाबी, लियो स्टूडेंट्स को भी भरपूर कामयाबी हर सेक्टर में, यानी अगर वो तालीम हासिल कर रहे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाह हैं या हासिल करना चाहते हैं, या फिर जो है वो कंपटीशन या कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, हर लिहाज से कामयाबी समेटते हुए लियो स्टूडेंट्स भी नजर आएंगे। लिब्रा के हवाले से बात करें, लिब्रा के लिए भी जुपिटर का ये गोचर या ये ट्रांसिट बहुत मुबारक साबित होगा। 12 साल के बाद यानी 37 दिनों के अंदर, 37 डेज के बाद, 1 मई 2024 से 1 मई 2025 पूरे एक साल तक गुरु का गोचर होना यानी के गुरु का यानी जुपिटर का ट्रांजिट होना इनके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। इनकी अकलानी ताकतों का इजाफा होना, और ये बैठे नहीं रहेंगे, यानी कि ये जैसे माजी में कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहे या फिर आराम पसंदी में या लेजीनेस की तरफ गए, अब ये थोड़े अलर्ट होते हुए नजर आएंगे। आपको तेज तरीन काम करते हुए सख्त मेहनत करने, सबसे ज़्यादा मेहनत लिब्रा ही करता हुआ नजर आएगा, कि इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये मेहनत नहीं करेगा तो सबसे पीछे रह जाएगा। इसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है, तभी जाके ये अपने कारोबार में या अपनी जॉब में अपने करियर में आगे बढ़ पाएगा, वरना ये बहुत पीछे रह जाएगा। और उसके बाद फिर ये मौका इसको मिलना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत सालों के बाद कभी ये मौका मिलेगा, वरना अभी जो इसने अगर अपना स्टेप उठा लिया और मेहनत कर ली, अब बड़े डिसीशंस ले लिए, या फिर कोई कारोबार शुरू किया, कोई नई जॉब में शिफ्ट हुआ, या जॉब के अंदर ही कोई बदलाव लेके आया, काम को पेंडिंग पे नहीं डाला, काम को डेली बेसिस पे किया और दिल लगा के काम किया, तो बहुत कामयाबी मिलना लिब्राज के लिए यानी बुर्ज मीजान के लिए भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से। स्कॉर्पियंस बुर्ज अक्रब हर लिहाज से गुरु यानी जुपिटर के इस गोचर इसके इस ट्रांसिट का भरपूर फायदा उठाता हुआ नजर आएगा, हर लिहाज से फायदा समेटता हुआ नजर आएगा। मल्टी टैलेंटेड तो यह है, लेकिन इस एक साल के दौरान यानी के मई 2025 तक के दौरान भरपूर पैसा समेटना, अपने कारोबार में अच्छा वक्त देखना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इनको भी, सख्त मेहनत करेंगे और अपने करियर में कारोबार में एक ऊंचा मकान देखेंगे, एक ऊंचा वक्त देखेंगे, यूं कह लें कि करियर में भी बड़ा बूस्ट आना, कारोबार में भी बड़ा बूस्ट आना, कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर तरह से तरक्की करना और अच्छा भला पैसा कमा पाना इनके लिए मुमकिन होगा और तेज तरीन दौलत समेट पाएंगे। बस गुस्सा थोड़ा तेज रहेगा, जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी रहना, जिद्दी होना, स्टबर्न होना, ये घरेलू मामलात को तो खराब करेगा, लेकिन फैमिली के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग का मसला होगा। और प्लस ये कि बॉसेस से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सीनियर्स के साथ कुछ तलखियाँ हो सकती हैं, दोस्तों से अनबन हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर गुस्से को ही सिर्फ कंट्रोल कर लिया, काफ़ी चीज़ें सही होते हुए नजर आएंगे, पैसा भरपूर कमाने के इनके इम्कान बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस के हवाले से। बुर्ज कॉस यानी सेजिटेरियस धनो राशि हर लिहाज से अच्छा करता हुआ इस एक साल के दौरान यानी कि 12 साल के बाद ये मौका आ रहा है कि गुरु यानी जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर रहा है वृषभ राशि यानी कि टॉरस के अंदर, और भरपूर तरीके से इनको फायदा देगा। हर लिहाज से इनकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, इनका बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना, हार्ड वर्किंग तो बहुत ज्यादा होंगी और मेहनत इनको करनी भी पड़ेगी, और पैसा भी इसी हिसाब से भरपूर आता हुआ इनको नजर आएगा। इनके विल पावर में इजाफा होना, इनके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और हर लिहाज से बेहतरीन कामयाबियां समेटते हुए इस एक साल के दौरान और बड़े बड़े फैसले लेते हुए ये लोग नजर आएंगे। कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई जॉब में शिफ्ट होते हैं, कोई नया नई चीज़ शुरू करते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेविंग्स के प्लान बनाते हैं या शादी ब्याह के बंधन में बनने जा रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं उसमें कामयाबी होना सेजिटेरियंस के लिए लिख दिया गया है। हर लिहाज से कामयाबियां समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉनियंस यानी कि मकर राशि बुर्ज जद्दी के हवाले से। हर लिहाज से अच्छा पैसा बनाना, साठ सत्ती के बावजूद भरपूर पैसा समेट पाएंगे,
अच्छा पैसा बनाना और मई 2024 से मई 2025 तक 12 साल के बाद ऐसा मौका आएगा कि भरपूर पैसा, लगातार पैसा अपनी लाइफ में देखेंगे, तेज तरीन दौलत समेटना, अपने कारोबार को ऊंचा जाते हुए देखना, अपने करियर में एक ऊंची उड़ान का देखना, प्रोमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, भरपूर तरीके से सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना और बोनसेस का मिलना इनके लिए मुकद्दर बन जाएगा। हर लिहाज से पैसा कमाते हुए सोर्सेज ऑफ इनकम में भरपूर इजाफा, मल्टीप्लीकेशन होते हुए देखेंगे और चारों तरफ से पैसा आना और तेज तरीन दौड़ समेटना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा क्योंकि कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना या एग्रेसिव बिहेवियर इनके मामला बिगाड़ता हुआ भी नजर आएगा। तो इस पर कंट्रोल कर गए तो काफी चीजें सही होते हुए इनको हर लिहाज से अच्छा करता हुआ इस एक साल के दौरान यानी कि 12 साल के बाद ये मौका आ रहा है कि गुरु यानी जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर रहा है वृषभ राशि यानी कि टॉरस के अंदर और भरपूर तरीके से इनको फायदा देगा। हर लिहाज से इनकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, इनका बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना, हार्डवर्किंग तो बहुत ज्यादा होंगे और मेहनत इनको करनी भी पड़ेगी और पैसा भी उसी हिसाब से भरपूर आता हुआ इनको नजर आएगा। इनके विल पावर में इजाफा होना, इनके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और हर लिहाज से बेहतरीन कामयाबियां समेटते हुए इस एक साल के दौरान और बड़े बड़े फैसले लेते हुए ये लोग नजर आएंगे। कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई जॉब में शिफ्ट होते हैं, कोई नया नई चीज़ शुरू करते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेविंग्स के प्लान बनाते हैं या शादी ब्याह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं उसमें कामयाब नजर आएंगी। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से और एक्वेरियस यानी बुर्ज दल के हवाले से कुंभ राशि हर लिहाज से बेहतरीन पैसा कमाता हुआ, तेज तरीन दौलत समेटता हुआ नजर आएगा। थोड़े खराजात में इजाफा होगा लेकिन कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी जॉब में, करियर में अच्छा मकाम देखेंगे। जो बड़े फैसले करते हैं, जो भी फैसला लेंगे, टू द पॉइंट वेल टेकन डिसीशंस होंगे, कामयाबी इनको मिलेगी। हर लिहाज से पैसा समेट पाएंगे, शादी का कोई डिसीशन ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई नया कारोबार करना चाहते हैं उसमें भी कामयाबी मिलते हुए इनको नजर आएगी। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे थोड़ी तलखियां देखेंगे क्योंकि एग्रेसिव बिहेवियर का रहना, लड़ाई झगड़ा करना, फैमिली के अंदर भी मामला बिगाड़ेगा। बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से अनबन होना या फिर अपने ऑफिस के अंदर अपने बॉसेस से कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट का हो जाना या सीनियर्स के साथ तलखियां बढ़ना, लड़ाई झगड़े होना, ये भी मुमकिन है। तो इस पे थोड़ा सा इनको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब आखिरी बुर्ज यानी पाइसिस के हवाले से हम बात करते हैं। पाइसिस भरपूर तरीके से दौलत समेट पाएगा इस एक साल के दौरान क्योंकि गुरु का ये गोचर 12 साल के बाद इनके लिए खुशखबरियां लेकर आया। 12 साल के बाद गुरु का यानी जुपिटर का ये गोचर, ये ट्रांजिट वो भी वृषभ यानी टॉरस के अंदर भरपूर फायदा इनको देगा। तेज तरीन दौलत समेटना, तेज तरीन पैसा कमाना, हर लिहाज से खुशहाल होना, अच्छा पैसा बना पाना इनके लिए मुमकिन होगा। इनके विल पावर के अंदर सारी चीजें छुपी है। इनका विल पावर अगर स्ट्रांग रहा, इनकी कुव्वत इरादे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर ये स्ट्रांग कर पाए तो बहुत हद तक पैसा बनाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। अपनी जॉब में भी अच्छा वक्त देखेंगे, अपने करियर, अपने कारोबार में भी अच्छा वक्त देखेंगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को भी मल्टीप्लाई करते हुए नजर आएंगे, पैसों के जराए बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से पैसा कमाना इनका जुनून बनेगा और पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन पैसे बनाना, तेज तरीन आमदनी में इजाफा करना इनके लिए मुमकिन होगा। अगर ये लेजीनेस को छोड़ के बहुत बर्क रफ्तारी से तेज तरीन तरीके से मेहनत करते हुए नजर आए, सख्त मेहनत करते हुए, तो पाइसेस भी भरपूर पैसा समेट पाएंगे। बैरन मुल्क जाना इनका मुमकिन होगा और बैरन मुल्क जाकर जो है वो इनका अच्छा पैसा बनाना और तेज तरीन पैसा बनाना इनके लिए मुमकिन होगा। हर लिहाज से अच्छा वक्त देखेंगे, खर्चों को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर ये अपने खर्चों पे कंट्रोल कर पाए और जल्दबाजी के जो डिसीशंस लेते हैं उसमें काबू पा गए तो ये एक साल भरपूर तरीके से इनके लिए रहेगा। अब हम उन बुरुज के बारे में भी बता रहे हैं जिनके लिए खर्चों के मामलात में या डिसीशंस के हवाले से या उधार देने की वजह से मसले आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, कैंसेरियंस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टॉरस है, टॉरस के बाद अगर हम बात करें तो सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस, पाइसिस है, वर्गो है। ये वो बुरुज है, वो बुरुज है जो खर्चों में थोड़ा सा इजाफा देखेंगे इस एक साल के दौरान यानी मई 2025 तक खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और खर्चों पे, खराजात पे अगर ये काबू पा गए तो फिर ये एक साल भरपूर तरीके से पैसे कमाने वाला साल और पैसे बचाने वाला साल होगा। वरना ना ही ये पैसे बचा पाएंगे, ना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, ना ही सेविंग्स कर पाएंगे। इनके खराजात बहुत बढ़ेंगे जिन बुरुज का भी हमने नाम लिया, तो इनको थोड़ी सी मेहनत करनी अपने खर्चों को कम करने में। कोशिश करें जो चीज़ कल ले सकते हैं वो आज लेने की ना करें, यानी आपको पता है कि आप 5-6 महीने बाद लोगे तो ये चीज शायद सस्ती मिल जाए, तो आप इस तरह से कुछ करें, प्लानिंग करके खर्चा करें। बस आज का आज ही खरीदना है, आज के आज ही खर्च कर देना है। रेस्टोरेंट्स में और खाने पीने की चीज़ों में भी इनके बड़े खर्चे होंगे जिसकी वजह से बड़ा बर्डन आएगा।
और अपने घर में अपने वालदेन के इलाज मालजे के चक्कर में या उनके चेकअप्स में उनकी दवाओं के अंदर भी बड़ा खर्चा होगा, बच्चों की एजुकेशन, उनकी एडमिशन, उनके स्टडीज की किताबों के हवाले से भी भरपूर खर्चा होगा इन लोगों का। तो इनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा इन खर्चों के हवाले से, वरना फिर ये आमदनी का जो तूफ़ान आना है, ये जो दौलत का तूफ़ान आना है, उस वो सिर्फ गुजर के चला जाएगा और फ़ायदा नहीं दे पाएगा। कुछ ना कुछ इनको अपने अखराजात पे कंट्रोल करना है। बिला वजह के उधार किसी को नहीं देना, उधार देना भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि उधार देना ये वापस ना मिलने के बराबर हो जाएगा, पैसे का वापस ना मिलना या रुक के मिलना, इस तरह के मामलात बनेंगे। और डिसीशंस पूछ के किसी से, मेंटोर से पूछ के, किसी बड़े से पूछ के लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इन बुरुज के लिए, तो नुकसान कम से कम होगा और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा इनको होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो अब तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।